नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्पमित्र आकाश जाधव YouTube चैनल। मेरे साथ ऋषिकेश परदेसी, कैमरामैन अतुल पाखरे और शिराज सैयद। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज हमने लगभग 2-4 सांप रेस्क्यू किए हैं। इन सांपों को हम रिलीज़ करेंगे, लगभग 5-6 सांप है शायद। बारी बारी में इन सांपों को हम रिलीज़ करेंगे। एक बेबी कोबरा स्नेक मिला था, इसके बारे में जानकारी देकर इसको रिलीज़ करूँगा। आप देख सकते हैं काफ़ी उग्र, देखिए छोटा है लेकिन आक्रामक है। कोबरा सांप की यही खासियत, ये तुरंत अपना आक्रामक रूप ले लेते हैं, ऊंचा हुड उठाकर सामने वाले को डराने की कोशिश करते हैं और काटने की कोशिश करते हैं। जब तक ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करते तब तक काटेंगे नहीं। ये देखिए बार बार अटैक कर रहे हैं। दोस्तों, जब ये छोटे होते हैं तभी से ये जहरीले होते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अपना ऊंचा उड़ उठाकर काटने की कोशिश कर रहा है। जब इसको मैंने बताया, काफ़ी वीडियो में मैंने बताया कि कोबरा सांप तुरंत आक्रामक रूप ले लेता है और सामने वाले को डराने की कोशिश करता है, खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है ताकि उसके सामने कोई ना जाए। और इतना जानते हुए भी फिर भी हम उसके नज़दीक जाएंगे तो ये तुरंत काट लेगा। ये छोटे होते हैं फिर भी ये जहरीले है। ऐसा नहीं कि ये बच्चा है ये जहर नहीं छोड़ेगा, ये ज़रूर छोड़ेगा, लेकिन ये छोटे होने के कारण इनके दांत भी बहुत छोटे होते हैं और इनके दांत जो है शरीर में जल्दी गड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर ये लचीली चमड़ी जहाँ पर है उसने पकड़ लिया तो ये जहर छोड़ सकता है। तो दोस्तों, काफ़ी प्यारा लग रहा है सांप। और आप देख सकते हैं सांप के पीछे जो है एक निशान होता है यू की तरह, ये देखिए यू की तरह एक निशान दिखाई देता है। और जब ये छोटे होते तब ये डार्क दिखाई देता है। कभी कभार ये जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद ये कभी कभार ये धीरे धीरे मिट जाता है, धुंधला होकर अनदेखा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि अगर मान लो कोई बड़ा सांप हो कोबरा और उसके पीछे ऐसा निशान ना हो तो वो स्पेक्टिकल नहीं है, वो स्पेक्टिकल ही होता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है उसके पीछे का निशान धीरे धीरे मिट जाता है। अंदर की ओर से आप देख सकते हैं जो दो गोलाकार ऐसे धब्बे दिखाई देते हैं, इसी को स्पेक्टिकल कहा जाता है। तो दोस्तों, बिना देरी के इसको रिलीज़ करते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पर रिलीज़ किया। और चलिए, इनके हाथ में ये भी है, फिर रिलीज़ करते ही देखिए ये ग्रीन किलबैक स्नेक, हिंदी में हरा सांप, इंग्लिश में ग्रीन किलबैक स्नेक, इसे ग्रास स्नेक भी कहा जाता है। ये बिना जहर वाला है, ये हरा दिखाई देता है, तुरंत पहचानने में आसान है। चलो, इसको भी रिलीज़ किया। और यह आप देख सकते हैं ये कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, यह एक आम सांप है जो घर के आसपास घर में ज़्यादा मिलता है। इसे ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोग धोखा खाते कि ये कोड़िया वाला सांप है, जहरीला है, लेकिन दोस्तों ये बिना जहर वाला है। इसका मुंह लंबा होता है और मुंह के ऊपरी भाग पर आप देख सकते हैं गर्दन पर दो काली धारी दिखाई देगी, आँखों के नीचे दो काली धारी दिखाई देगी। ये कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, ये लगभग 4-5 फीट तक बढ़ता है, ठीक है। इंग्लिश में कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, हिंदी में अलंकृत, मराठी में तस्कर, ये बिना जहर वाला सांप है। ये भी खुद के बचाव के लिए काटता है, ऐसे नहीं काटेगा। चलिए, इसको भी हमने यहाँ पर रिलीज़ किया। और इसमें क्या है, रिलीज़ किया, इसको निकालो। तो ये है कुकरी स्नेक, ये भी बिना जहर वाला सांप है, बहुत ही प्यारा सांप है। दिखने में आप देख सकते हैं किस तरह दिखाई दे रहा है। मुंह के ऊपर उसके मुंह पर आप ध्यान से देखिए काला वी दिखाई देता है, गर्दन पर एक आपको काला बड़ा सा वी दिखाई देगा, वी की तरह। और उसके बाद उसके ऊपर काले से धब्बे दिखाई देंगे, पूंछ की नोक तक वो धब्बे दिखाई देते हैं। ये कुकरी स्नेक है, ये बिना जहर वाला है। चलिए, इसको भी हम यहाँ पर रिलीज करते हैं। चलिए, इसको रिलीज किया। यहाँ आप देख सकते हैं एक धामन सांप, जिसे हम मराठी में धामन, हिंदी में धामन और एक नाम है इसका घोड़ा पछाड़।
दोस्तों ये बिना जहर वाला है और इस सांप के बारे में बहुत सारे अंधविश्वास है। इसकी पूंछ में जहरीला कांटा होना और ये पूंछ मारते ही इंसान मर जाता है, 6 महीने तक उठता नहीं, ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पर रिलीज़ करते हैं, बिना जहर वाला है। ये गाय भैंसों को दबोच कर इनको उनका दूध पी जाता है, ये भी बड़ा अंधविश्वास है, ऐसा भी कुछ होता नहीं, रिलीज़ कर दो। तो दोस्तों एक और सांप बचा हुआ है, छोटा है लेकिन जानलेवा सांप है, बहुत ही जहरीला और भारत देश का सबसे खतरनाक सांप। ध्यान से देखिए, ये छोटा है, देखने में दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत से लोग धोखा खाते हैं, ये छोटा है हम इसको बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी कोशिश ना करें इस सांप को पकड़ने की। इसके ऊपर चॉकलेट, डार्क चॉकलेटी कलर में, काले कलर में आपको इसके ऊपर धब्बे दिखाई देंगे चेन की तरह। ये रसल स्वाइपर स्नेक है, ये बच्चा है रसल स्वाइपर का, बहुत ही छोटा है, लगभग ये 5-6 दिन का होगा। लेकिन दोस्तों ये जानलेवा है, इसके दांत भी बहुत बड़े होते हैं, इसके दांत तुरंत शरीर में गड़ सकते हैं। तो देखिए किस तरह दिखता है, बहुत से लोग धोखा खाते हैं, अजगर का बच्चा होगा, पकड़ने की कोशिश करते हैं और मारे जाते, इसलिए हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे ऐसा सांप दिखाई दे तो उससे दूर रहे और किसी नज़दीकी स्नेक कैचर यानी हमारे जैसे जो रेस्क्यू टीम है उनको बुलाए या फिर वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप कॉन्टैक्ट करिए। लेकिन सांपों को मारे नहीं और पकड़ने की भी कोशिश ना करें। इसका नाम फिर एक बार बता रहा हूँ, इंग्लिश में रसल स्वाइपर स्नेक, हिंदी में चित्ती। हमारे महाराष्ट्र में इस सांप को घुनस इस नाम से जानते हैं। ये जहरीला है और इसमें हीमोटॉक्सिन नाम का वेनम होता है, ये बहुत ही जहरीला होता है। चलिए हम इसको रिलीज करते हैं, अटैक कर सकता है, ये अपने आप पर्यावरण में चला जा रहा है। ठीक है, चलो चलो आप आज़ाद हो अभी यहाँ पर। दोस्तों इसी तरह सांपों के बारे में जानकारी जानने के लिए, सांपों के रेस्क्यू वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।